बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माल और आप देख रहे हैं बेस्ट बैटरी। दोस्तों, पहले की तरह एक नए एपिसोड एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस वीडियो के अंदर माशाल्लाह आज से इंशाल्लाह जो है एक न्यू फार्मिंग के तौर के ऊपर मैं इस चैनल को अब चैनल के ऊपर काम करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। माशाल्लाह खूबसूरत से जानवरों के जो शौक़ हैं, जो जानवर हैं खूबसूरत से, उनकी जो मुकम्मल तफसीलात है, उनके शौक और जानवर आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने मेरे साथ तावन करना है माशाल्लाह। ये आपने सामने एक लाट देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक जानवर है, एक से बढ़कर एक क्वालिटी है। और ये मुकम्मल लाट जो है ये एक जो कि एक मंडी के अंदर मौजूद है और इस मंडी का मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, जानवरों के शौक़ पूरे हैं। माशाल्लाह देखें, अडर क्वालिटियाँ देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, मीट वेट, हाइट वेट, लेंथ, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक क्वालिटियाँ, एक से बढ़कर एक ब्रीड। माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे हैं, जैसे जैसे आप देखते जाएं माशाल्लाह जानवरों के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस आप शौक़ पूरे करें। माशाल्लाह इस मंडी के अंदर आपको भैंसें भी मिलेंगी, गाय भी मिलेंगी, जर्सी, फ्रीजियन और एचएफ, अमेरिकन ब्रीड और जो भी आपका जिस चीज़ का भी शौक़ रखते हैं। क्योंकि मुझे तो इस जानवरों के अंदर मुतलक अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन जो दोस्त भाई शौक़ रखते हैं उनको इस चीज़ का तो खासा पता होता है कि कौन सी चीज़ है और इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ हैं। ये मुकम्मल मंडी का रिव्यू है, एक लाड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इस मुकम्मल एक लाड का मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। माशाल्लाह जानवर खूबसूरत हैं और आप देख लें। और दूसरा नंबर के ऊपर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी कभी कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए तो ऑनर का नंबर मैं आइंदा से कोशिश करूँगा कि वीडियो के ऊपर ऑनर का नंबर अटैच कर दूं साथ में। और आप कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई जानवर पसंद आ जाए, अगर आप जानवर की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप कोशिश किया करें कि मौके के ऊपर जाएं, जानवर की पहले तसल्ली करें, जानवर को चेक करें, उसकी चॉइस चेक करें, मुकम्मल जो आपको उस जानवर के अंदर जो जो खूबियाँ हैं वो आप चेक करें। उसके बाद अगर आपको जानवर पसंद आए तो आप जानवर बेशक लेकर जाएं। लेकिन ये ऐसा जो होता है ना कि आप 3 से 4 लाख का एक सौदा जो होता है वो आप फ़ोन कॉल के ऊपर ही आप सौदा तय कर देते हैं और बाद में आप गिला करते हैं कि हमें चीज़ नहीं अच्छी मिली। तो भाई आप इस इतना अगर आप अगर इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, एक जानवर ख़रीदारी करते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप मौके के ऊपर आएँ, जानवर की चॉइस चेक करें, जानवर की चलाई चेक करें, जानवर के अंदर जो जो खामियां हैं, जो जो खूबियां हैं वो मुकम्मल उसके अंदर चेक करें। उसके बाद अगर आपको जानवर पसंद आए तो बेशक लेकर जाएं, नहीं तो फिर इस तरह के और भी जानवर मिलते रहते हैं, आप किसी और फार्म का विज़िट कर लें, अगर उससे आपको चीज़ अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो वो आप उसके अंदर जो है वो सौदा कर लें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश किया करें कि अच्छे जानवर लें और जो यानी कि यंग ब्रीड हैं, यंग ब्रीड आप लें, और जो ज़्यादा उम्र वाले हैं वो आपको पीछे जो है वो आपको नुकसान देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो दूध की पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो यंग ब्रीड होती है वो दूध की पैदावार उसके अंदर अच्छी खासी रहती है। तो आप जैसे उसके ऊपर मेहनत करेंगे, मेहनत का ही फल होता है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप मेहनत करेंगे मेहनत का ही फल मिलेगा आपको, मेहनत का ही अजर मिलेगा। तो आपने इस तरह ही अगर आपको जानवर पसंद आए तो इस तरह आप ख़रीदारी करें। वस्सलाम, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी।